मम्मी दा ढाबा में होली स्पेशल आज बनने जा रहा है। ये हमारी कौशल्या दीदी और अब ये बना रही हैं आज। क्या बना रहे हो दीदी? ये मिक्सचर बन रहा है। हाँ, नमस्ते तो कर दो। और ये बन रहा है हमारा मिक्सचर। ये पतला पोहा है जिसको दीदी हल्के आंच पे 5 मिनट फ्राई कर चुकी है बिना तेल के। हाँ, और उसके लिए हमने मूंगफली भी लिया है और क्या लिया है, हाँ भुट्टा का भी जो पोहा है वो भी लिया है। वो धीरे धीरे हम दिखाते हैं। ये है मक्का पोहा और इसमें से भी हम इसको फ्राई करेंगे तो ये पोहा के तरह, ये पॉपकॉर्न की तरह बनेगा, है ना दीदी? पॉपकॉर्न की तरह बनेगा। गरम हो गया है और उसमें हम फली, कितना है दीदी ये क्वांटिटी? 1 पाव फली। और वो जो पोहा था वो कितना था? आधा किलो में 1 पाव फली। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। हाँ, अभी मूंगफली तल गया है, इसको हम एक छन्नी में निकाल देंगे। अब ये पॉपकॉर्न की तरफ फूलेगा। इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और उससे इजी हो जाएगा। ये कितना जीरा है? 2 चम्मच। हाँ। 2 चम्मच। हाँ, सूखी मिर्च 7-8। 7-8 नहीं, उससे ज़्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अपने स्वाद अनुसार। हमारी दीदी सब यहाँ फेमस है मिक्सचर, भुजिया, नमकीन सब बनाने के लिए। और ये रेसिपी हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाएगा। अब करी पत्ता, ये घर का ही करी पत्ता है, उसको धो के हमने टॉवल में सुखाया था, इसको हम तड़के में डालेंगे। ये तड़का मेन है ना दीदी? ये सारा करी पत्ता जो कि घर में अब हुआ है नया नया, इसकी खुशबू आई। हल्दी भी डालती हूँ तड़के में और ये सारा तड़का हम वो जो हमने तला था उसके साथ हम मिक्स करके नमक वगैरह डाल देंगे। इतनी खुशबू आ रही है। कढ़ाई में पूरा तेल जो भी है उसमें मिक्स करके हमने पूरे मिक्सचर को तैयार कर लिया। लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर के बाद इसमें चाट मसाला डाल दिया है, ये सब स्वाद अनुसार डालेंगे। फिर काला नमक डलेगा, सादा नमक भी डलेगा इसके बाद, है ना दीदी? और ये सादा नमक और ये सारे मसाले जो हैं वो अपने स्वाद अनुसार इसमें हम डालेंगे। अब जो और टेस्ट बढ़ जाएगा, थोड़ा खटास आ जाएगा मिक्सचर। अभी हम मिक्स कर देंगे, नहीं पूरा खड़ा चीनी डालेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। अभी मिक्सर तैयार, बस मिक्स करेंगे, हो गया, ठंडा करके बॉटल में भर देंगे।
बॉटल में भरना है। मिक्सर अब रेडी हो गया है, ठंडा होने से बॉटल में भरना। अब हम रुख बनाने जा रहे हैं और ये आधा दो कटोरी चावल का आटा कढ़ाई में डाल के, विदाउट ऑयल है ये, हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें हम बेसन, ये थोड़ा मोटा बेसन है, इसमें से हमने दो कटोरी लिया बेसन, कितना, तीन कटोरी, ज़्यादा बेसन। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें क्या डालेंगे, तिल, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर हम उसको गूंदेंगे और फिर उस सांचे में डाल के उसको मुरुक बस शेप देंगे। तो ये मेन है, दो कटोरी चावल का आटा, तीन कटोरी बेसन और उसको हम अभी भून रहे हैं, हल्की आंच पे भूनेंगे। आज होली वाला किचन है, पूरा बिखरा हुआ है। फ्राई हो चुका है, इसमें आज हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, ये सब अपने स्वाद अनुसार डालना है ना। नमक भी, अब ये हींग थोड़ा सा, ये तेल तलने खस्ता करने, ये हमने आधी कटोरी तेल डाला होगा है ना, आधी छोटी आधी कटोरी तेल, और इसको हम एक डो बनाएंगे, इसके टाइट टाइट डो बनाएंगे है ना आटे। स्वाद अनुसार हम तिल भी डाल लेंगे, आपको और पसंद है तो हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अपने पसंद अनुसार सब कुछ हम मसाले इसमें डाल सकते हैं। इसमें हम दो कटोरी पानी डालेंगे और इसका एक टाइट डो हम तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा करी पत्ता पाउडर हमने मिक्स कर दिया है, एक चम्मच। ये मुरुक्कू का जो मिक्सचर है ये सांचे में हम डाल देंगे, ये सांचा मिलता है मार्केट में, इसका स्टील का भी आता है, पीतल का भी आता है। अभी ये हो गया टाइट, बस इसमें हम घुमा के इसके शेप्स निकालेंगे। ये हैंडल जैसे ही घूमता जाएगा ये शेप निकलता जाएगा। गुन गया है और इसकी चकली इसमें डाल के हम बना रहे हैं, इसमें फिल कर देते हैं और इसको इस तरह से तैयार कर देते हैं। मुरुक्कू या चकली दोनों ही चीज बोलते हैं। और ये तेल गरम हो रहा है, बस तल के इसमें निकालना है। अब इसमें सुनहरा होने तक हम उसको फ्राई करेंगे, एक तरफ जब बन जाएगा उसको पलट के दूसरी तरफ फ्राई करना है। एक तरफ पकने के बाद हम इसको उल्टा रहे हैं, दूसरी तरफ ही पकेगा, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे। ये दोनों तरफ से अब पक गया है और क्रिस्पी भी हो गया है, दिखने से लग रहा है।
सबके हाथों में ना जादू है सच्ची में। अभी टिश्यू पे ये हमारी मुरुक्कू बनके तैयार। इसमें क्या क्या डाला है? और खोआ, इलायची, सूजी और नारियल, नारियल का बूरा और चीनी। ये चीनी का बूरा है। इसको हम फ्राई करके ये फिलिंग है रख देंगे हम। और काजू और अभी पीसना है काजू बादाम। और हमने सूजी को भी फ्राई करके रख दिया है। गैस को बंद है, फिर हम मीडियम आंच पे इसको ये करेंगे। ये गुजिया के अंदर का स्टफिंग बन रहा है। ये मैदा गूंदा हुआ है और इसमें मयोन के लिए घी या तो फिर तेल एक चम्मच ना, एक चम्मच डाल के इसको, ये इतना कड़क है, इसका जो टेक्सचर रहेगा वो इस तरीके का रहेगा, हार्ड रहेगा ना, थोड़ा सा सख्त रहेगा, कड़क रहेगा। हाँ, और ये लोई, इसको ये छोटी छोटी लोई दिया है इसका। हाँ, ये फिलिंग था। इसमें क्या क्या मिक्स किया था? सूजी फ्राई करके मिक्स किया था, बादाम, काजू उसको ग्राइंड करके मिक्स कर दिया था, और इसमें और क्या मिक्स किया था? काजू, इलायची, भूरा, हाँ, कोपरा, नारियल को कद्दूकस करके उसको मिक्स किया। कद्दूकस वाला नारियल हमें रेडीमेड मिल गया था, नहीं तो हम वो कोपरा लेके हम उसको घस के उसको इस मिक्सचर को तैयार कर सकते हैं। अब सांचे में थोड़ा सा यहाँ पानी लगाया है, तेल में तलना है और तैयार। इस साइड पानी डालना है, एक ही तरफ, फिर हम इसको बंद करेंगे। एक्स्ट्रा वाला हिस्सा निकाल दिया, ये बन के तैयार। मेरा मुंह भी दिखा दो। चलो ठीक है। तेल गरम हो गया है ना, अब ये हलवाई जैसे भुजिया तैयार हो गया है, जैसे हलवाई के दुकान में नहीं बनते हैं। एकदम परफेक्ट भुजिया रेडी। अब ये रेडी, दोनों तरफ से तल गया ना। भुजिया रेडी। Okay.
अब ये दही बड़े बन रहे हैं, दही बड़े देखो गर्म पानी में से निकाल दिया है बड़े। ऐसे ही मेरी होली की तैयारी, आशा करती हूँ आपकी होली भी मस्त रही होगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैप्पी होली, बाय बाय।